तीसरे चरण में अखिलेश के लिए करो या मरो के हालात। यादव लैंड में अखिलेश यादव के सामने है अग्नि परीक्षा। 2017 में यादव लैंड में ही फेल साबित हुए थे अखिलेश, तो इस बार पिछले प्रदर्शन को सुधारने की है चुनौती। बीजेपी के सामने भी स्थिति बेहद कठिनाइयों से भरी। देखिए क्या है इस बार यादव लैंड का सियासी समीकरण। देखिए कैसे यादव लैंड के लैंडलॉर्ड बनेंगे अखिलेश यादव। पूर्व सीएम अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की पार्टी पर हमेशा यादव परस्ती का आरोप लगता रहा है, लेकिन 2017 के चुनाव में जब यादव लैंड में ही अखिलेश यादव को मुंह की खानी पड़ी थी तो कई सवाल उठे थे। दो चरणों का मतदान उत्तर प्रदेश में संपन्न हो चुका है और अखिलेश यादव के लिए अच्छी खबर भी देकर गया है, लेकिन अब अखिलेश यादव के सामने तीसरा चरण है और तीसरे चरण में यादव लैंड में अखिलेश यादव के सामने कई चुनौतियां हैं। एक तरफ जहां खुद को साबित करना है तो वहीं यादव लैंड में पिछले फेल होने वाले रिकॉर्ड को सफलता में बदलना है। ऐसे में पिछले चुनाव और मौजूदा हालात की स्थितियों पर बात करते हुए हम आपको बताएंगे कि यादव लैंड का सियासी समीकरण क्या अखिलेश यादव को लैंडलॉर्ड बनाने के संकेत दे रहा है या फिर बीजेपी के पक्ष में समीकरण है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं यादव लैंड का सियासी गणित समझने का सिलसिला। दरअसल इस बार पश्चिमी यूपी हो या फिर यादव लैंड, बीजेपी के लिए अच्छी खबर कहीं से नहीं दिखती, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सपा बीजेपी के लिए बुरी खबरों की वजह से अच्छी पकड़ बना रही है। यादव लैंड में यादव बाहुल्य सीटों का अब गठजोड़ दिखाई दे रहा है और ये गठजोड़ सपा गठबंधन को राहत के संकेत तो देता है, लेकिन बदले में कई उम्मीदें भी पाल रखी हैं। तीसरे चरण में 59 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में यूपी के तीन क्षेत्रों पश्चिमी यूपी, अवध और बुंदेलखंड में मतदान होगा। इसमें पश्चिमी यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस की 19 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा अवध क्षेत्र के कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फरुखाबाद, कन्नौज और इटावा की 27 विधानसभा सीटें और बुंदेलखंड इलाके में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले में 13 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए ये चरण सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो सत्ता में उनकी वापसी का रास्ता साफ कर सकता है। वहीं बीजेपी के लिए भी ये चरण काफी अहम है, क्योंकि पहले दो चरणों में काफी मुश्किलों से घिरी दिख रही बीजेपी के लिए इस चरण में जनता का रुझान संजीवनी का काम कर सकता है। साल 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने यहां की 59 में से 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ एक एक सीट ही मिली थी। ऐसे में बीजेपी जहां अपने पिछले स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाने की उम्मीद में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इस चरण में बेहतरीन प्रदर्शन का दावा कर रही है। हालांकि इस चरण के 16 जिलों में से 9 जिले यादव बाहुल आबादी वाले हैं, इसीलिए इसे यादव लैंड की भी संज्ञा दी जाती है, जिसमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, एटा जैसे जिले शामिल हैं। हालांकि साल 2017 के चुनाव में यादव बाहुल 30 सीटों में से समाजवादी मात्र 6 सीटें ही जीत पाई थी। सपा के इस सबसे खराब प्रदर्शन के पीछे यादव विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण होना बताया गया। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व की लहर पर सवार बीजेपी को इसका साफ फायदा दिखा था। यही वजह है कि भगवा दल इस बार भी मुसलमान और दंगे जैसे शब्दों को जोर शोर से उछाल रही है। इसके अलावा हाल के दिनों में हिजाब को लेकर भी शोर हो रहा है। वहीं यादव बहुल इलाकों को साधने के लिए बीजेपी परिवारवाद का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रही है। वहीं अखिलेश हाथरस में दलित युवती की बलात्कार के बाद मौत और फिर उसके बाद प्रशासनिक मशीनरी के कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। इसके अलावा इसी चरण में कानपुर में भी वोटिंग है और इसके लिए अखिलेश की पार्टी विक्रू कांड या कहें कि विकास दुबे के पुलिस एनकाउंटर और उसके सहयोगी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को जेल भेजे जाने के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। इन दोनों मुद्दों के जरिए दलित और ब्राह्मण वोट बैंक को अपने साथ लाने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। ऐसे में तीसरे चरण के चुनाव में देखना होगा कि सपा इन जिलों में जातिगत समीकरण साधकर अपना खोया हुआ वर्चस्व दोबारा हासिल कर पाती है या फिर ध्रुवीकरण के मुद्दे पर सवार होकर बीजेपी एक बार फिर अपना विजय रथ लेकर लखनऊ पहुंचेगी। इसका जवाब तो 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पता ही चल जाएगा। फिलहाल अखिलेश यादव विजय श्री हासिल करने के लिए तैयारियों में लगे हैं, लेकिन ये तैयारियां कितनी सफल साबित होंगी वो मतदान का प्रतिशत बता देगा। साथ ही बीजेपी की स्थिति क्या रहने वाली है वो भी चुनाव नतीजों से पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।